नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शालीमार बाग में भारतीय जनता पार्टी की एक समारोह हुआ। वहाँ पर स्थानीय नेतागण और शालीमार बाग की जनता मोदी जी के लाइव भाषण देखने उमड़ी। और आगे रिपोर्टिंग देखिए शालीमार बाग से। तरीके से उन्होंने देश के बारे में बताया और जन जन से अपनी समस्याएं और वो सुनी, जिनकी आवाज़ लाइव टीवी पर चल रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। और मोदी जी संघर्ष करें, हम उनके साथ हैं, पूरा भारत मोदी के आज साथ है, हमारी शालीमार बाग की टीम पूरे बहुमतों से उनको जो सबको मिलकर के हमारी सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए, हमारे देश के गीत गाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग करके उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे देश में ताकत बढ़ेगी और हम सब साथ जी देश और अपना जागरूक और हो और मजबूत हो। नवयुवक जो कि अपना देश नवयुवकों का है, और कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए लोगों को ऐसा आने वाले दिनों में सभी एकता देश एक है, सेना के साथ है जी, जवानों के साथ है जी। नवयुवक युवक लोग कह चुके हैं कि मोदी जी आप सिर्फ देश के लिए लड़ाई लड़ो, हम आपको वोट के लिए आप मत लड़ो, तो इसके लिए आप कितना विश्वास करते हैं सर? पूरा विश्वास करते हैं। मोदी जी ने युवाओं का हमेशा हौसला बढ़ाया है, स्किल इंडिया हो या मुद्रा लोन हो, उसमें युवाओं को बहुत रोजगार दिया है मोदी जी ने। और 2019 और 2024 तक युवाओं के लिए ही सरकार बनेगी, युवा इसको सरकार बनाएंगे, युवा दिन पे दिन प्रगति करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं पूरी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप पर मोदी जी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनाइए और देश का फिर देखिए खा खाना होता है, युवाओं के लिए रोजगार के मौके ही मौके होंगे। जय हिंद जी। 2019 में मोदी जी को दोबारा आना है, इसके लिए सभी का जो है चल रहा है मिशन, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं सर? कितना संदेश अच्छा जाए भारत के लिए? मोदी जी आना चाहिए, साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, भूल कर भी मुख में जाती पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी ना रक्तपात हो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ कर भड़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, जिसमें देश का भला हो सभी को मिलकर वो कार्य करना चाहिए, उस कार्य में देश की उन्नति होगी और सबका जी। आप से ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अपने अब वो अपनी खैर बजाय रखे, जो अब यहाँ का नवयुवक है वो बिल्कुल सक्रिय हो गया है, उसकी कूटनीतियों को हर बंदा समझ रहा है, हर देश समझ रहा है, तो इसलिए एक ही बात है, जय जवान जय किसान, हम सब एक हैं। जय नमो नमो भारत माता की जय, भारत माता की जय जी। आज पूरा देश जो है भारत का आतंकवादी पूरे पकड़े ना जाए जब तक हम चाहते हैं, और हमारा मोदी जी ऐसे ही संघर्ष करता रहे पाकिस्तान के साथ जी। पाकिस्तान से पूर्ण रूप से आतंकवाद खत्म करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इसे जितने भी हमारे हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रह के खड़ा होके उनको इतना मजबूत कर देना चाहिए कि एक आज 70 वर्षों में जो काम आज तक नहीं हुए, जो खाली मोदी ने कर दिखाया है, तो इसे हमें उनकी शक्ति पर खड़ा रहना चाहिए पीछे। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आजकल जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, आराम अपना रास्ते में मतलब जो भी आराम से निकल सकती हैं, तो उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें इस लायक समझा, लेडीज़ को भी ऊपर किया कि हमें जी। मोदी जी जो है बहुत सारे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं, और युवाओं को ऋण का सुविधा भी दिए हैं बहुत सारे, और गरीबी के लिए बहुत सारा लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहती हो? उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं बहुत बहुत जी। अभी एक मुझे रास्ते में मैं बस से आ रहा था तिमारपुर से और शालीमार बाग के लिए, एक आदमी मिला मुझे, बोला कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी दिए हैं, लेकिन आज बच्चियाँ जो है रोड पर भीख मांग रही हैं, गुब्बारे बेच रही हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हूँ? देखिए पहले से बहुत कम हो चुका है, ये पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था कि रोड्स पे ये बच्चे जो होते हैं वहाँ पे खिलौने वगैरह पे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।